आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्लास 11 जो कि है वेन डायग्राम्स। अब अभी तक का हमने जो सेट्स पढ़े हुए उनको रिप्रेजेंटेशन दी एक रोस्टर फॉर्म में और एक सेट बिल्डर फॉर्म में, तो उन्हीं सेट्स को हम क्या कर सकते हैं वेन डायग्राम्स में भी हम दिखा सकते हैं। वेन डायग्राम्स कुछ नहीं है, उन सेट्स को जिनको भी हमने सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया उनको हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, यानी एक डायग्राम की फॉर्म में शेप दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि वेन डायग्राम्स होता क्या है। तो मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है यू, जिसमें मेरे पास एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और 5 है, ठीक है। इसमें से इस यूनिवर्सल सेट में से मैंने एक सेट बनाया, सबसेट बनाया, जो कि होगा ए, जिसमें एलिमेंट है 2, 3 एंड 4। तो अगर मुझे दिखाना है कि ये दोनों सेट को अगर मुझे वेन डायग्राम की मदद से शो करना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, यूनिवर्सल सेट को ऑलवेज क्या किया जाता है, रेक्टेंगल की शेप में, रेक्टेंगल या स्क्वायर की शेप में बनाया जाता है। इस तरीके से ये पूरा एरिया, यानी कि ये जो एरिया जिसने रेक्टेंगल ने घेरा हुआ है, इसमें क्या आएंगे, यूनिवर्सल सेट के क्या आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे, जो कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसके बाद मेरे पास सेट ए है, अगर इसे मुझे इस यूनिवर्सल सेट में रिप्रेजेंट करना है तो उसे मैं क्या करूँगा, सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा। तो इस बात का ध्यान रहे, यूनिवर्सल सेट हमेशा क्या होते हैं, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल की शेप में फॉर्म होते हैं, और उसके जो सबसेट बन रहे हैं, जैसे ये ए सबसेट बन रहे हैं, वो हमेशा किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, सर्कल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो अगर मुझे ए सेट, मेरे पास ए सेट था, उसमें क्या एलिमेंट थे, 2, 3, 4, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2, 3 एंड 4। इसका मतलब ये होगा कि ये जो सेट ए है इसमें क्या एलिमेंट है, 2, 3, 4 है, और इसके अलावा जो पूरा यूनिवर्सल सेट है उसमें ऑलरेडी क्या है, 1 भी आ गया, 2, 3, 4 ऑलरेडी इसके अंदर है। बट ये जो 2, 3, 4 वाला एरिया है, या फिर कहें जहाँ पे ये 2, 3, 4 एलिमेंट है, वो सेट क्या बन गया, ए बन गया, इसलिए वहाँ पे सर्कल रख दिया, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और एक क्या बच गया, 5 बन गया, बच गया। तो ये क्या कहलाएगा, एक रिप्रेजेंटेशन है यूनिवर्सल सेट, जिसमें मैंने 5 एलिमेंट्स लिए और उसके सेट ए की। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है, अगर इसी सेट में से मैंने एक बी सेट भी बनाया, बी सेट भी होगा, जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स रख देता हूँ, सपोज दैट 1, 2, 3 एंड 4 रख लेता हूँ, ठीक है। बी सेट भी है जिसमें एलिमेंट्स क्या है, 1, 2, 3, 4 है। तो ए और बी सेट में क्या है, एक चीज़ कॉमन है, 2, 3, 4 और 2, 3, 4 यहाँ पे भी है। तो यानी कि ए सेट में जितने एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, वही क्या है, बी सेट में भी हैं। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक और सर्कल बन जाएगा जो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसमें क्या आ गया, हमारे पास एक 1 ऐड हो गया है, यानी कि 1, और बी के अंदर क्या है, ए एलिमेंट है, ए सेट है जिसके एलिमेंट क्या है, 2, 3, 4 है, और 1 यहाँ पे आ जाएगा, और ऑलरेडी बाहर पे क्या है, हमारे पास 5 है जो यूनिवर्सल सेट में है, ठीक है। तो इन कंबाइन बोला जाए तो यूनिवर्सल सेट के क्या सबसेट बन गए, एक बी सेट जिसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, और एक ए सेट बन गया जिसमें क्या है, 2, 3 एंड 4 है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और वेन डायग्राम अगर एक डेफिनेशन बोली जाए तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल्स एंड रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर इज नोन एज वेन डायग्राम। इसको अभी और डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इसमें ऑपरेशंस पढ़ेंगे, अभी ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट। अब ये ऑपरेशंस क्या होते हैं, देखिए जब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की तो वहाँ पे हमने क्या करें, 4 बेसिक टाइप के ऑपरेशन पढ़े, प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ऑपरेशन इसमें भी लगना है, सेट में भी लगना है, बट प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले नहीं लगने। ये जो ऑपरेशन लगते हैं ये क्या लगते हैं, पर्टिकुलर डिजिट में लगते हैं। कहने का मतलब है मैं क्या लूँगा, 2 डिजिट लूँगा, उसमें ऑपरेशन लगाऊंगा प्लस का, तो एक टाइम पे 2 डिजिट में ही तो लग रहा है, और वो क्या देगा मुझे, एक पर्टिकुलर क्या दे देगा, डिजिट दे देगा। ऐसा ही माइनस के केस में भी होता है, डिवीजन के केस में भी और मल्टीप्लिकेशन के केस में भी। यहाँ हमने जो ऑपरेशन पढ़ने हैं वो होते हैं एक यूनियन, यूनियन ऑन अ सेट, ठीक है, और देन सेकंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, देन इसके बाद होता है हमारा डिफरेंस ऑन सेट,
तो जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं वहाँ पे हमारे पास आते हैं प्लस, सब्ट्रैक्ट, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, और जब हम सेट की बात करते हैं वहाँ पे आते हैं हमारे पास यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑन सेट। तो इनमें होता क्या है, हम क्या लेते हैं, जैसे इसमें ही लिया था, इस ऑपरेशन के केस में लिया था, दो डिजिट लेते हैं, उनमें ऑपरेशन लगेगा तो एक क्या मिलेगी, डिजिट मिलेगी। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है, हम क्या लेंगे, दो सेट लेंगे, उनके बीच में ऑपरेशन लगाएंगे, इन दोनों, इन तीनों में से एक एक करके ऑपरेशन लेंगे, कोई भी लगा सकते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन या डिफरेंस। इनको पहले तो पढ़ेंगे कि यूनियन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, फिर डिफरेंस क्या क्या होता है। तो उन दो सेट में जब भी कोई भी ऑपरेशन लगेगा इन तीनों में से एक, तो एक पर्टिकुलर क्या मिल जाएगा, हमें सेट मिल जाएगा। यही तरीके के हमें क्या देखने हैं, ऑपरेशंस देखने हैं किन्हीं भी दो सेट में, ठीक है। तो इन चीज़ों को नोट करें, वेन डायग्राम वगैरह इसे, और ऑपरेशंस ऑन सेट के ये तीन क्या हैं, हमारे पास ऑपरेशंस हैं। अब इन्हें डिटेल में हम पढ़ते हैं। पहला ऑपरेशन हमें पढ़ना है वो है यूनियन ऑफ सेट, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद हम वेन डायग्राम बताएंगे, फिर उसके बाद जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है यूनियन ऑफ अ सेट की उसे देखेंगे। तो इसके लिए मैं क्या लेता हूँ, एक ए सेट लेता हूँ जिसमें एलिमेंट मैंने रखे 2, 3, 4 और 5। देन इसके बाद बी सेट है जिसमें एलिमेंट्स मैंने रखे 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यूनियन ऑफ अ सेट क्या कहता है, जब भी हम यूनियन करेंगे, जैसे एडिशन हम बोलते हैं, एडिशन के केस में हमारे पास क्या साइन आता है, प्लस का साइन आता है दो नंबर के बीच में करने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से दो सेट के बीच में अगर मैं यूनियन बोल रहा हूँ तो कोई ना कोई सिंबल तो ज़रूर आएगा, ठीक है। तो वो सिंबल क्या होता है, इस तरीके से होता है, और मुझे क्या निकालना है, इन दो का यूनियन निकालना है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, अब मैंने एक चीज़ बोली थी, जब एडिशन का केस होता है दो डिजिट लेते हैं एक सेट मिलेगा, सॉरी दो डिजिट लेंगे एक डिजिट मिलेगी, ठीक है, नंबर सिस्टम के केस में। तो सेट के केस में भी मैंने बोला था दो सेट का अगर हम कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे, यूनियन करेंगे, तो एक सेट ही तो मिलेगा, ठीक है। तो वही लिखने जा रहा हूँ, ए यूनियन बी, सीधे डायरेक्ट एग्जाम्पल करते हैं, फिर बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि ए यूनियन बी होता क्या है। ए यूनियन बी में होता ये है कि जो ए के एलिमेंट है और बी के एलिमेंट है, दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में मिल के एक नया सेट बनाते हैं, जिसमें कि अगर कोई कॉमन एलिमेंट है वो दोबारा रिपीट नहीं होता। सपोज दैट देखते हैं 2, 3, 4, 5 है, और 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5 यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहा है, एक कॉमन है। तो मैंने बोला कॉमन को एक ही बार लिखेंगे, बाकी सारे जितने एलिमेंट्स हैं ए के और बी के, दोनों के आ जाएंगे इस सेट में आ जाएंगे। सिंपल से सिंपल है, 2, 3, 4, 5 मैंने ए के सारे एलिमेंट्स लिख दिए, ठीक है। 4, 5 दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बी के भी एलिमेंट्स आते हैं बट दोनों क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो हम और सेट में हमने पढ़ा था क्या, हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, ठीक है। तो 4, 5 एक ही बार रहेगा, उसके बाद बाकी जितना बच गया 6, 7, 8 ये क्या आ गए, पूरे के पूरे ए सेट के भी और बी सेट के भी क्या आ गए, यहाँ पे एलिमेंट्स हमने रख दिए, ठीक है। तो यही होता है ए यूनियन बी। ये तो हमने समझा किससे, एग्जाम्पल से, और जो इसकी डेफिनेशन है उससे, इसका सिंबल होता है इस तरीके से। और अगर मैं इसकी बात करूं वेन डायग्राम में, जो अभी तक का हमने वेन डायग्राम बोला था, यानी कि मैंने बोला क्या कि हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं किसी भी सेट को, ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें देखते हैं, इसमें क्या देंगे, तो इसमें सपोज दैट मेरे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, जिसमें मेरे पास क्या है, ए सेट है और बी सेट है, ए और बी सेट है। तो ए को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा, एक सर्कल बना दिया जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ है क्या, जो बी है, ठीक है, बी में क्या है, हमारे पास कॉमन एलिमेंट है, 4, 5 यहाँ पे भी है, 4, 5 यहाँ पे भी है। तो इस तरीके का सेट को रिप्रेजेंट पिक्टोरियली यानी वेन डायग्राम में कैसे किया जाता है, ए यहाँ पे जाता है और बी इस तरीके से इसे कट करता हुआ जाता है, ठीक है। इसे हम नाम देते हैं ए सेट, इसे हम नाम देते हैं बी सेट। तो इसमें हुआ क्या, ए सेट और बी सेट आपस में क्या हो गए, पूरे के पूरे कंबाइन हो गए। तो ये जो पूरा शेडेड रीजन है, ये पूरा का पूरा, ये क्या कहलाता है, ए यूनियन बी कहलाता है, ठीक है। यानी कि इस डायग्राम को ए यूनियन बी बोला जाएगा। अगर मैं बोलूँगा ए यूनियन बी को वेन डायग्राम की मदद से शो करें, तो हम क्या करेंगे, एक
रेक्टेंगल बनाएंगे और उसमें ए सेट रखेंगे, बी सेट रखेंगे, दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करते हुए जाएंगे। अभी ये जो इंटरसेक्ट किया हुआ है ये क्यों किया है और कैसे होता है ये अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट पढ़ेंगे उसमें आएगा। तो ए यूनियन बी कहने का मतलब है ए और बी दोनों सेट क्या हो गए, कंबाइन हो गए हैं। तो इसमें क्या है, दोनों के एलिमेंट्स आ गए हैं, ठीक है, दोनों के एलिमेंट्स आ गए। और अगर इन जनरल अगर बात की जाए, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, देखिए इसे सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, सेट बिल्डर के फॉर्म में। यहाँ से एक चीज़ निकल के आएगी जो इम्पोर्टेंट भी है और आगे भी काम आएगी। क्या मैं क्या बोलता हूँ, ए यूनियन बी में क्या है, मेरे पास ये एलिमेंट्स आए थे, ठीक है, ये एलिमेंट्स आए थे, मैंने क्या बोला, एक्स नाम दे दिया, सभी को एक एक्स नाम दे दिया, एक पर्टिकुलर नाम दे दिया एक्स, सच दैट, जैसे सेट बिल्डर में हमने करना सीखा था, हम क्या रखते हैं, प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। तो मैं इनकी क्या रखने वाला हूँ, प्रॉपर्टीज़ रखने वाला हूँ, क्या कि एक्स सच दैट, एक्स किसे बिलोंग कर रहा है, ए को भी बिलोंग कर सकता है, ठीक है, ए को भी बिलोंग कर सकता है, और इंग्लिश वाला और, एक्स किसे बिलोंग कर सकता है, बी को भी बिलोंग कर सकता है, ठीक है। खुद ही देखिए ये जो ए यूनियन बी निकला, अगर सपोज दैट मेरे पास ए और बी, मुझे यहाँ पे डिफाइन नहीं किए होते कि ए में कितने एलिमेंट है, बी में कितने एलिमेंट है, और मुझे जस्ट ए यूनियन बी गिवन होता, ए यूनियन बी गिवन होता, तो मैं क्या कहता कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए के भी हो सकते हैं या फिर बी के भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा क्या आता है, यूनियन जब भी होता है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि जो भी एक्स है, जो भी एलिमेंट है ए यूनियन बी में, वो या तो ए को बिलोंग कर रहे होंगे या फिर वो बी को बिलोंग करेंगे, या, ठीक है, इंग्लिश इंग्लिश वाला और, हिंदी वाला या, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि मैक्सिमम कन्फ्यूज़न इसी में रहता है, और का मतलब क्या होता है, और फिर उसके बाद अभी इंटरसेक्शन पढ़ेंगे उसमें एंड आएगा, हिंदी वाला और एंड, इंग्लिश वाला एंड और हिंदी वाला और। तो यहाँ पे क्या है, इंग्लिश वाला और है और हिंदी में क्या बोलते हैं, या। तो जो भी एलिमेंट एक्स है, यानी कि इसमें जो भी एलिमेंट है, खुद ही से देखें इसमें जो भी एलिमेंट है वो या तो ए को बिलोंग कर सकते थे या फिर बी को बिलोंग कर सकते थे, अगर हमें सपोज दैट ये नहीं पता है, ठीक है, और मुझे जस्ट ए यूनियन बी दिया होता तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं क्या बोलता, ये एलिमेंट्स या तो ए को बिलोंग करेंगे या फिर बी को बिलोंग करेंगे। तो इसलिए क्या किया जाता है, इन जनरल अगर बात करें, ए यूनियन बी क्या होता है, x such that x belongs to a और या फिर x belongs to b। यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है, क्या अगर यूनियन बोला जाएगा इसका मतलब क्या है, हमेशा और है, या फिर और अगर कहीं स्टेटमेंट में बोला जाए, मेरे पास सपोज दैट क्वेश्चन गिवन है, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, और मुझे वहाँ पे यूनियन का सिंबल नहीं दिया, यूनियन का सिंबल नहीं दिया, मुझसे बोला गया a और b निकालिए, तो क्या करेंगे, और का मतलब क्या है, यूनियन निकालना है हमें, ठीक है, तो और का मतलब यूनियन। तो यूनियन ऑफ अ सेट में हमने देख लिया, एग्जांपल लेके भी देख लिया, और इसका जो वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन रहती है वो इस तरीके से रहती है, ठीक है, और इन जनरल भी बात करके देख ली, और यहाँ से एक चीज़ निकली, क्या और का मतलब यूनियन या फिर यूनियन का मतलब और। ये तब हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास क्या आएंगी, वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वहाँ पर दिक्कत ना हो, वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से यहीं पर डिफाइन कर दिया एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यूनियन ऑफ अ सेट को नोट करें। अब यूनियन ऑफ अ सेट समझने के बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी, इन प्रॉपर्टीज़ को रटना नहीं है, ऐसे रटना नहीं है कि ये याद होनी चाहिए बाय हार्ट, जस्ट समझते हुए चलना है। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए होता है, और इसे हम नाम देते हैं क्या, कम्यूटेटिव लॉ। अब देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, तो मैं इसे दोबारा से क्या करूँगा, नंबर सिस्टम के साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे, तो इसमें आसानी रहेगी समझने के। देखिए हमारे पास क्या होता है, ऑपरेशन लगाते हैं एडिशन का नंबर सिस्टम पे, 1+2 इज इक्वल्स टू 2+1 होता है, 3 ही देना है, ठीक है, आगे पीछे भले ही क्या कर दें, हम डिजिट आगे पीछे कर दें, ऑपरेशन वही लग रहा है, तो क्या कहलाए, वो क्या होता है, आंसर कितना मिलेगा उतना ही मिलेगा, तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। उसी तरीके का लॉ सेम टू सेम क्या लगता है, यूनियन में भी लगता है, इसमें बस फर्क इतना है, हमारे पास क्या आ जाते हैं, सेट आ जाते हैं। अगर मेरे पास ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, देन बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 3, 4, ठीक है, तो मैंने इसका ए यूनियन बी निकाला, कितना निकलेगा, 1, 2, 3, 4, इसका मतलब क्या होता है, ए के भी एलिमेंट और बी के भी एलिमेंट, ए यूनियन बी का मतलब अभी अभी सीखा, ठीक है, और या फिर बी यूनियन करूँ, बी यूनियन ए करूं, तो बस फर्क इतना होगा कि ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यानी कि नंबर आगे पीछे हो जाएंगे, बट सेट तो वही है, इक्वल सेट ही मिलना है हमें, ठीक है। बी यूनियन ए करेंगे क्या होगा, 3, 4, 1, 2, और मैंने एक चीज़ बताई थी, क्या सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो यानी कि ये दोनों सेट क्या है, इक्वल हैं,
ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए ही दे रहा है, ठीक है। तो ये लॉ क्या करता है यहाँ पे, एग्जिस्ट करता है कम्यूटेटिव वाला, यानी कि हम सेट को आगे पीछे करें और ऑपरेशन यूनियन का लगे तो दोनों क्या देंगे, इक्वल हमें सेट्स देने वाले, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास सेकेंड वाला, तो इसे नोट भी कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके एग्जांपल नोट भी कर सकते हैं, और फिर ये कम्यूटेटिव लॉ तो बुक में गिवन ही है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड वाला लॉ समझते हैं, सेकेंड वाला लॉ क्या कह रहा है। अब बात आती है एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ यानी कि इसमें हमारे पास जनरली क्या लिए जाते हैं, तीन सेट लिए जाते हैं, और एसोसिएट करने का मतलब कि पहले हम किन दो सेट को क्या कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं यानी ऑपरेट कर रहे हैं। सपोज दैट मेरे पास क्या है, डिजिट की फिर से कंपेयर करते हुए चलेंगे, डिजिट है मेरे पास 1, 4 और 2 है, 3 है सपोज दैट, ठीक है, तीन डिजिट हैं। इसमें मुझे क्या लगाना है, प्लस करना है, तो एक टाइम पे दो पे ही तो कर पाऊंगा, ठीक है। ऐसे थोड़ी है कि तीनों के तीनों एक साथ प्लस हो जाते हैं, वो माइंड में कर सकते हैं, बट बोलने के लिए एक टाइम पे दो डिजिट के साथ ही तो प्लस करेंगे, 4 + 3 करेंगे उसके बाद 1 + करेंगे, ठीक है, या फिर 1 + 4 करेंगे उसके बाद 3 से प्लस करेंगे। तो यही होता है एसोसिएशन, यानी कि तीन, अगर हमारे पास तीन चार जितने भी डिजिट हैं उनमें सबसे पहले हम किस दो नंबर्स को या फिर सेट को, इसमें बात करेंगे सेट की, हम पहले ऑपरेट कर रहे हैं यानी एसोसिएट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका लूँगा 1, 4, 3 का, तो मेरे पास है 1 + 4 ब्रैकेट लगा देता हूँ +3, इसका मतलब क्या है, पहले मैं 1 + 4 को ऑपरेट करने वाला हूँ, ठीक है, यानी इनको क्या करूँगा, एसोसिएट करूँगा, देन उसके बाद 3 के पास जाऊँगा, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ 1 + 4 + 3, यानी कि पहले मैं 4 + 3 को करूँगा उसके बाद क्या करूँगा 1 में जाऊँगा। तो दोनों आंसर क्या देंगे, एक ही देने वाले, 1 + 4 = 5, 5 + 3 = 8 इज इक्वल टू 4, 5, 7 + 1 कितना, 8 ही देगा, ठीक है। तो दोनों का आंसर क्या है, एक है। तो यानी कि एसोसिएशन करने से, यानी कि हम एक बार में किन दो डिजिट को या किन दो सेट को कंसिडर कर रहे हैं, उस बात से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर कितना मिलेगा उतना ही मिलेगा। अब बात करते हैं सेट की, सेट में भी सेम चीज़ होती है, मेरे पास ए बी सी अगर डिफरेंट सेट पड़े 1, 2 जिसमें एलिमेंट हैं, और बी है मेरे पास इसमें भी कुछ एलिमेंट्स रखे गए हैं, और सी है इसमें भी कुछ एलिमेंट्स रखे गए हैं मेरे पास, ठीक है, और उसमें एसोसिएट प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए यूनियन, यानी कि पहले मैं क्या करूँ, दो सेट को यानी कि बी और सी को यूनियन करूँ फिर ए के साथ करूँ, वो आंसर उतना ही देगा। अगर मैं क्या करूँ, पहले ए यूनियन बी कर दूँ फिर उसके बाद क्या करूँ, सी के साथ क्या करूँ, यूनियन करूँ, दोनों का आंसर क्या आएगा, इक्वली आना, ठीक है। सेट से एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं, एग्जांपल कुछ भी उठा सकते हैं, 1, 2 लिया, यहाँ पे 2, 3 ले लें, यहाँ पे 3, 4 ले लें, वैल्यूज में पुट करते रहें, आंसर हमें वही मिलने वाला है, जस्ट लॉ है, एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद दूसरा लॉ आता है हमारे पास, एडिटिव लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहते हैं, सबसे पहले तो आइडेंटिटी समझ लेते हैं, आइडेंटिटी का मतलब एक्चुअल में है क्या। आइडेंटिटी एलिमेंट में अगर हम कोई नंबर ऑपरेट करते हैं तो दोबारा से वही नंबर मिल जाता है। एडिशन का केस लेते हैं, 1 + करता हूँ, अब मैं 1 में क्या ऐड करूँगा कि दोबारा से 1 मिल जाए, 0 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया एडिशन के केस में, कुछ भी ले लो, 1, 2, 3, 4 या माइनस का कुछ भी ले लो, उसमें 0 ऐड करोगे दोबारा से वही नंबर मिलना है, तो 0 क्या कहलाएगा, 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। कि जीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है इन ऑपरेशन प्लस, हमें डिफाइन भी करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस के केस में ये आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाया जाएगा। अगर मैं यहीं पे मल्टीप्लिकेशन का केस लेता हूँ, मेरे पास 2 है, 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँगा कि मुझे दोबारा से 2 मिल जाए, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, और 4 × 1 कितना, 4। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेशन वाइज क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। प्लस के केस के लिए क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें, उसके लिए भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसमें भी कितना है, 1 - 0 करेंगे 1 करेंगे, -1 - 0 कर रहे हैं तो तब भी -1 ही देगा। तो क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, उसमें अगर हम कोई डिजिट ऑपरेट करते हैं, प्लस की हो, मल्टीप्लिकेशन की हो, डिवीजन की हो या माइनस की हो, तो दोबारा से वही एलिमेंट मिल जाता है, वही डिजिट मिल जाती है। तो इस तरीके का जो भी नंबर मिलता है हमें, ये जैसे 0, ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। इसी तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है किस में, सेट के केस में। अगर सपोज दैट मेरे पास क्या है, एक ए सेट है, ठीक है, जिसमें मेरे पास एलिमेंट है 1, 2 है, और मैंने एक दूसरा सेट लिया जो 5 है, यानी कि खाली सेट है, एम्प्टी सेट, बी इज इक्वल्स टू 5, यानी इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो अगर मैं ए यूनियन बी करूँ, यानी दोनों में ऑपरेशन लगाऊँ, इन दोनों सेट को ऐड करूँ, यूनियन करूँ, सपोज दैट यूनियन करूँ, तो क्या मिलेगा, दोबारा से 1, 2 ही तो मिलेगा,
ठीक है। तो यानी कि ए सेट डाला बी में, दोबारा से क्या मिल रहा है, सेट मिल रहा है। तो ये क्या होगा, ये जो फाई है ये क्या कहलाएगा, एज अ आइडेंटिटी एलिमेंट काम करेगा इस सेट ए के लिए। तो इसलिए ए यूनियन फाई इजिकल्स टू क्या देगा, दोबारा से वही सेट दे देगा, इसलिए ए यूनियन फाई इजिकल्स टू क्या लिखा गया, ए लिखा गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास तीसरा लॉ। इसके बाद चौथा लॉ देखते हैं। फोर्थ लॉ में क्या है, ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू दोबारा से ए दे देगा, इसे हम नाम देते हैं इंडिपोटेंट लॉ। इसका मतलब क्या है, ए सेट है मेरे पास 1, 2 है, इसको इसी के सेट के साथ यानी ए यूनियन ए दूसरा सेट भी यही लेना है 1, 2, इसी में ऑपरेट करना है यूनियन का, तो इसके भी एलिमेंट आएंगे, इसके भी एलिमेंट आएंगे, बचे क्या एलिमेंट, 1, 2 ही तो बचे, ठीक है। लो एक और बार लिख लो, क्या यूनियन का मतलब क्या होता है, 1, 2 होता है। अब मैंने बोला है सेट में दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, तो क्या होगा, ये भी हट गया, 1, 2 ही आया। तो ए यूनियन ए क्या दे रहा है, दोबारा से ए ही दे रहा है, इसको हम बोलते हैं इंडिपोटेंट लॉ। इसके बाद फिफ्थ लॉ है, आखिरी है, इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए कितना देगा, दोबारा से यू ही देगा, यानी यूनिवर्सल सेट देगा। इसके लिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यूनिवर्सल सेट है मेरे पास, सपोज दैट 1, 2, 3, 4, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, और ए सेट क्या है, ये है 1, 2, इसी से बना हुआ है, ठीक है। तो यू यूनियन ए करेंगे, यानी इन दो सेट को हम क्या कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं, इसमें ऑपरेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसके भी एलिमेंट आएंगे और इसके भी एलिमेंट आएंगे, ठीक है। बट क्या है, यहाँ पे जो 1, 2 है, यहाँ पे भी 1, 2 है, तो एक ही बार उतरेगा 1, 2, और यूनियन के तो पूरे उतरेंगे ही उतरेंगे, क्योंकि क्या होता है, यूनियन के केस में जो भी सेट गिवन, जिन दो सेट के बीच में हम ऑपरेट कर रहे हैं यूनियन का, इसके भी एलिमेंट आते हैं पूरे पूरे, और इसके भी आते हैं, तो आ गए 1, 2, 3, 4, और ये जो आया है ये अल्टीमेटली है क्या, यूनियन है, तो यूनिवर्सल सेट ही तो है। इसलिए यूनिवर्सल सेट जब भी किसी अपने ही सबसेट के साथ, ये क्या था, इसी का सबसेट था, इसी में से बनाया गया था, उसके साथ क्या करता है, यूनियन करता है, तो दोबारा से क्या मिलता है, यूनिवर्सल सेट ही मिलता है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को नोट करना है तो नोट करें, और एग्जाम्पल से हमने समझ ही लिया। इसके बाद हम देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये दूसरा ऑपरेशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास यूनियन के केस में सिंबल यूज़ हो रहा था, किन्हीं दो सेट के बीच में ऑपरेशन लगता है, इसमें भी किन्हीं दो सेट के बीच में ही ऑपरेशन लगेगा, तो उसके लिए मैं क्या लेता हूँ, एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसा हमने यूनियन के केस में एग्जाम्पल से समझा था, यहाँ पे भी वही करेंगे। मेरे पास सपोज दैट ए सेट है जिसमें 2, 3, 4 और 5 क्या है एलिमेंट्स हैं। इसके बाद मैं बी सेट लेता हूँ जिसमें मेरे पास है 2, 4, 1 and 3, 6, चलो 6 ले लेते हैं, तो ये सारे क्या है, इसमें एलिमेंट्स हैं मेरे, आगे पीछे हम लिख सकते हैं, इससे डजेंट मैटर। तो ए सेट हो गया, बी सेट हो गया, ठीक है। अब मैंने बोला क्या कि इन दो सेट में क्या लगाओ, इंटरसेक्शन लगाओ, इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगाओ, तो उसको सिम्बॉलिकली कैसे लिखेंगे, जैसे ए यूनियन के केस में हम ए यूनियन बी इस तरीके से कुछ ना कुछ सिंबल यूज़ होता है, इसमें भी एक सिंबल यूज़ होता है ए इंटरसेक्शन बी। वहाँ पे यूनियन ऐसे था, यहाँ पे इंटरसेक्शन केस में नीचे की तरफ को आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, हम इसे क्या रीड करेंगे, इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी के केस में दो सेट में हम ऑपरेशन लगा रहे थे, एक सेट मिल रहा था, यहाँ पे भी हम दो सेट हैं इनमें ए इंटरसेक्शन बी लगाएंगे, हमें क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर क्या मिलने वाला है, सेट मिलने वाला है। अब वो सेट कैसे मिलेगा, कैसे लेंगे, वो देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी के केस में क्या होता है, जो ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही आते हैं। कहने का मतलब है, ए इंटरसेक्शन बी जब भी हम ऑपरेट करेंगे दो सेट के बीच में, तो दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट है सिर्फ और सिर्फ वही उतरते हैं, ठीक है। यूनियन के केस में क्या होता था, ए के भी उतरते थे और बी के भी आते थे, ए इंटरसेक्शन बी के केस में सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स उतरेंगे। तो ए और बी में देखें कॉमन क्या क्या है, एक 2 कॉमन है, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, तो एक 2 आ जाएगा, और 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो एक 4 आ जाएगा, 3 यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, तो 3 आ जाएगा, और उसके बाद और कोई कॉमन नहीं है, 2 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे भी था, 3 था, 3 आ गया, 4 था, 4 आ गया, 5 यहाँ पे था, ए सेट में था, बट 5 यहाँ नहीं है, तो वो कॉमन नहीं है। और बाकी जितना बच जाता है जो कॉमन नहीं आता है उसे हम नहीं लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम क्या लिखेंगे, कॉमन एलिमेंट्स ही रखे जाते हैं, किसमें, ए इंटरसेक्शन बी के केस में, ठीक है। जहाँ तक एग्जांपल से समझ आ चुका होगा, बाकी एक्सरसाइज में और एग्जांपल्स लेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। इसका अब मैं वेन डायग्राम बना देता हूँ। जैसे ए यूनियन बी के केस में हमने क्या बनाया था, वेन डायग्राम बनाया था, इसी में यहाँ पे भी होगा, इसमें भी उसी तरीके से डायग्राम बनेगा, यानी कि सर्कल क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे काम आता है, जो इंटरसेक्ट कर रहे थे ये क्यों कर रहे थे, ए यूनियन बी के केस में तो हमारे पास पूरे के पूरे सेट आ जा रहे थे, ठीक है, तो पूरा का पूरा शेडेड रीजन क्या था, ए यूनियन बी था।
बट यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी के केस में क्या है, जो ए और बी दोनों में कॉमन एरिया है वही आएगा, कॉमन एरिया। तो सिर्फ ये क्या करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट एंड देन बी सेट। क्योंकि क्या है, हमें ए इंटरसेक्शन बी खुद कहता है क्या कि हमें क्या लेने, कॉमन एलिमेंट्स लेने। अब कॉमन तभी आएंगे ना जब ये डायग्राम में ये बनाया और ये बनाया, तो ये एरिया क्या है, दोनों के लिए कॉमन है, दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस एरिया में। तो हम क्या करेंगे, ये जो शेडेड रीजन है ये क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा, यानी कि ये क्या है, कॉमन रीजन है ए के लिए भी और बी के लिए भी। तो इसका मतलब ये जो 2, 4, 3 ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन आए ना एलिमेंट्स, ये क्या लाई करेंगे, इस रीजन में लाई करेंगे जहाँ पे मैंने क्या करा है, शेडेड रीजन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या लाई करेंगे, 2, 4, 3 लाई करेंगे, यानी कि वो ए सेट में भी है। और ध्यान से सुनना, और बोला है हिंदी का, और बोला है ना कि इंग्लिश का, और बी सेट में भी होंगे, ठीक है। तो अब मैं इसके लिए लिखने जा रहा हूँ, मैं ये बताऊँगा कि इसके लिए जैसे सिम्बॉलिकली इसके लिए जनरल कैसे लिखा जाता है ए इंटरसेक्शन बी, जैसे हमने यूनियन के केस में लिखा था एक्स सच दैट, इंटरसेक्शन बी में जितने भी नंबर्स, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन्हें एक्स नाम दे दिया, एक वेरिएबल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, जो एक्स होगा, जो भी एलिमेंट होगा वो एक्स को भी बिलोंग करेगा, एक्स को बिलोंग करेगा, एंड एंड आएगा यहाँ पे, एंड ये ध्यान रखना, एंड बी को भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब एंड यानी हिंदी वाला और, यानी कि जो भी एलिमेंट, ये जो 2, 4, 3 है ना, ये 2, 4, 3 हमें कन्फर्म में पता है ये ए को भी बिलोंग करेगा और बी को भी बिलोंग करेगा, इसलिए क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, इंग्लिश वाला एंड, ठीक है। तो जब भी एंड बोला जाए यानी कि क्या करना है, हमें इंटरसेक्ट करना है, इंटरसेक्ट दिया है यानी कि वहाँ पर क्या है, एंड है, जब हम क्या करेंगे इंग्लिश में बोलेंगे तो एंड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जहाँ तक समझ में आ गया होगा, इंटरसेक्शन एंड क्यों रख रहे हैं, क्योंकि एक्स जो भी एलिमेंट है 2, 4, 3 हमें श्योरिटी है क्या कि ये ज़रूर क्या होंगे, ए में भी होंगे और बी में भी होंगे, इसलिए ए एंड बी, ठीक है। तो इस वजह से हमने क्या रखा, इंटरसेक्शन को क्या बोला जाता है, एंड बोला जाता है। कहीं पे भी अगर हमारे पास ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, अगर ए एंड बी फाइंड करो कहेंगे, तो यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वो क्या रख देंगे, वो उठा के हम रख देंगे, वो क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। तो हमने इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट देख लिया एग्जाम्पल से, वेन डायग्राम बना लिया, और जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है वो देख ली। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, उससे भी पहले एक चीज़ बता देता हूँ, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, डिसजॉइंट का मतलब अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग, अलग बिल्कुल, यानी कि उसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, ठीक है। मैंने एक ए सेट लिया, ध्यान से देखना, ए सेट है 1, 2, 3 है, और एक बी सेट है जिसमें है 4, 5। अब मैंने बोला, मैंने आपसे बोला क्या कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करके दिखाओ मुझे, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अब देखो ए में क्या है, 1, 2, 3 है, और बी में क्या है, 4, 5 है, कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जो ए में भी है और बी में भी है, कोई नहीं है। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो भी सेट निकलता है वो क्या निकलेगा, 5 मिलेगा, यानी कि खाली, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एक एम्प्टी सेट है। तो और इन जनरल अगर बात करें, ए इंटरसेक्शन बी तो 5 आ गया, ठीक है, यानी कि उसमें कोई भी क्या है एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए हमने 5 लिख दिया। तो ये ए और बी क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट, यानी कि भिन्न भिन्न, बिल्कुल अलग अलग, इसके एलिमेंट कुछ और हैं, इसके एलिमेंट कुछ और हैं। तो इसको अगर वेन डायग्राम में दिखाना है तो क्या हुआ, वही रेक्टेंगल हम बनाएंगे, ठीक है, रेक्टेंगल हमने बनाया, सर्कल एक ये होगा और एक ये रहेगा, ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये बी को। देखिए यहाँ पे हमने कुछ भी कॉमन नहीं था ना, यूनियन कर पा रहे हैं, यूनियन करेंगे, जब यूनियन करेंगे तब यहाँ पे क्या आएगा, अगर सपोज दैट ये सेट ए यूनियन बी हो सकता है, बट ए इंटरसेक्शन बी नहीं मिल सकता, डिफरेंस समझो, ए यूनियन बी में हम ऐसा करते हैं और सबका सब क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है, यानी कि शेडेड आ जाता है। बट यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना था और मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, ये दोनों क्या बोले मैंने, डिसजॉइंट सेट है, ए और बी डिसजॉइंट सेट है, उसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए और बी दोनों क्या है, अलग अलग सेट है, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, दोनों में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे अभी यूनियन की बात नहीं हो रही है, अभी कहोगे कि यूनियन में तो हमने क्या कर दिया था, ऐसा बना दिया था, फिर हमने इंटरसेक्शन भी बनाया, तो यहाँ पे क्यों नहीं बना रहे, यहाँ पे इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि मुझे क्या दिखाना है, सिर्फ डिसजॉइंट सेट दिखाना है, ना यूनियन दिखाना है ना इंटरसेक्शन दिखाना है, मुझे सिर्फ डिसजॉइंट सेट्स दिखाना है। तो डिसजॉइंट यानी बिल्कुल अलग अलग, ए अलग बी अलग, और अगर इनका डिसजॉइंट सेट का, किन्हीं भी डिसजॉइंट सेट्स का अगर इंटरसेक्शन करते हैं, हमेशा क्या होता है, एक एम्प्टी सेट मिलता है, 5 एग्जांपल से भी हमने देख लिया।
तो ये हो गया डिसजॉइंट साइड की, डिसजॉइंट सेट की रिप्रेजेंट, डिसजॉइंट DISJOINT, डिसजॉइंट सेट। तो अगर इसे नोट करना है तो नोट करें वीडियो पॉज करके। अब हम इसकी करते हैं प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करते हैं इंटरसेक्शन की। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी कम्यूटेटिव लॉ जो अभी यूनियन वाले में कर रहा था, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए ही होता है। उसी तरीके से अगर किसी दो सेट में इंटरसेक्ट करते हो और आगे पीछे करो, मिलना वही सेट है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, कोई भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। इसके बाद है सेकेंड वाला एसोसिएटिव लॉ। जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी, तीन सेट में हम ऑपरेट करते थे यूनियन के केस में, यानी कि किन दो सेट को पहले एसोसिएट कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इजिकल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहले किन दो सेट को ऑपरेट किया जा रहा है, यानी इंटरसेक्ट किया जा रहा है। आंसर क्या मिलना है? सेम ही मिलना है। तो ये होता है हमारे पास क्या? एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद आता है हमारे पास जो तीसरा लॉ है, फाई इंटरसेक्शन ए इजिकल्स टू फाई कह रहा है। थोड़ा सा समझने वाली बात है, अगर हमारे पास ए सेट है जिसमें 1, 2 है और एक बी सेट ले लिया मैंने, पूरा फाइव यानी एम्प्टी है, कुछ एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो उनका अगर इंटरसेक्ट भी करोगे, इंटरसेक्शन भी, तो कुछ कॉमन है क्या उसमें? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कितना आएगा? फाइव ही तो आएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, फाइव इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू क्या देगा? फाइव ही देगा। उसके बाद बगल में ही है, ये दोनों लॉ एक साथ दिए हुए हैं, लॉ ऑफ फाइव एंड यू कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ। तो यूनिवर्स यानी कि यू इंटरसेक्शन है, यूनिवर्सल सेट को अगर इंटरसेक्ट करोगे ए के साथ तो दोबारा से ए ही देगा कहते हैं। तो लेते हैं इसका एग्जांपल, यूनिवर्सल सेट लिया 1, 2, 3 और 4, और ए सेट यानी इसी का सबसेट जो लिया वो हो गया 2, 3। तो अगर इनका मैं इंटरसेक्शन करता हूँ, यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू क्या देगा? दोनों में कॉमन एलिमेंट देखेंगे, कॉमन क्या है? 2, 3 है, तो 2, 3 रख दिया। और 2, 3 है क्या? अल्टीमेटली ए सेट ही तो है। तो जब हम यूनियन करते थे, यू यूनिवर्सल ए करते थे, तब हमें दोबारा से यूनिवर्सल सेट मिलता था। इस केस में क्या होता है, यू इंटरसेक्शन ए करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ए मिलता है, यानी वही सेट दोबारा से मिल जाता है। तो ये क्या कहता है? लॉ ऑफ यू कहता है, यानी यूनिवर्सल लॉ। इसके बाद आता है चौथा, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए ही मिलता है। तो इंडिपेंडेंट लॉ है, ए है मेरे पास जिसमें है 1, 2, 3 एलिमेंट है, और दोबारा से वही एलिमेंट उसी सेट के साथ मुझे क्या करना है? इंटरसेक्ट करना है। तो दोनों में कॉमन क्या है? तीनों ही एलिमेंट तो है। तो ए इंटरसेक्शन ए दोबारा से क्या देगा? वही सेट ही देगा। तो यही है फिफ्थ लॉ। अब इसके बाद जो एक नया लॉ जुड़ता है इसमें इंटरसेक्शन के केस में, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहने का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट होना। इसको भी मैं एक नंबर सिस्टम जैसे एग्जांपल था उसी तरीके से लेते हैं। अगर मेरे पास क्या है, 2 × 3 + 4 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 2 × 3 + 4 है, ठीक है, ये नंबर सिस्टम में मैंने एग्जांपल लिया है। तो इसमें हो क्या होगा, क्या सॉल्यूशन कैसे कर सकता हूँ? या तो मैं क्या करूँ, 4 + 3 कर दूँ और फिर मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। या फिर एक और तरीका क्या कि 2 × मल्टीप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ब्रैकेट के अंदर भेज दूँ, और इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी कि मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर किस में? एडिशन में। तो ये होगा 2 × 3 + 2 × 4, 3 × 6 + 4 × 8, 8 + 6 कितना देगा हमारे पास? 14 देगा। कि अगर हमने मल्टीप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एडिशन में, उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी था ये देखो। अगर इसको सपोज मैं मल्टीप्लीकेशन मान लेता हूँ बस समझने के लिए, कंपेयर करने के लिए, और इसको मैं प्लस मान लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद बना क्या है यहाँ पे? ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, यानी कि जैसे हो रहा था 2 × 3, तो ए मल्टीप्लीकेशन बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, बीच में क्या आएगा? यूनियन, यानी यहाँ पे जैसे आ रहा था एडिशन का, तो यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यानी कि ए इंटरसेक्शन यानी कि मल्टीप्लीकेशन सी। यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या हो रहा है, जो इंटरसेक्शन है, ये जो इंटरसेक्शन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर यूनियन। जैसे यहाँ पे हो रहा था मल्टीप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था ओवर एडिशन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम करता है। और इसको किसी भी सेट में, कोई भी सेट ले लो ए बी सी, उसमें अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे नोट करें। इसके बाद हम करते हैं डिफरेंस ऑफ अ सेट, बात करते हैं डिफरेंस ऑफ अ सेट की, ठीक है। दो सेट, ये भी ये ऑपरेशन है, तीसरा ऑपरेशन है हमारे पास। तो इसके लिए भी क्या लेंगे, सबसे पहले ए सेट लूँगा 1, 2, 3, एग्जाम्पल से लेते हुए समझते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और एक बी सेट लेते हैं जिसमें है 4, 5, 7, 8 है, ठीक है।
अब जैसे अभी तक का हमने क्या कर दिया, दो दो ऑपरेशन पढ़ लिए, यूनियन का सिंबल ये होता है, इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है, तो डिफरेंस ऑफ अ सेट का भी कोई ना कोई सिंबल होता है, उसे हम कहते हैं माइनस, जो अल्फाबेटिकल में होता है माइनस, वही वाला। और रीड क्या किया जाता है, ए माइनस बी बोला जाता है, ठीक है, अगर वर्ड में बोलना है ए माइनस बी, और रिप्रेजेंट मैथमेटिकली ए माइनस बी, ठीक है। तो इस ए माइनस बी यानी कि जैसे जैसे इसमें ऑपरेट कर रहे थे तो एक सेट मिला था पर्टिकुलर, इसमें भी यही होगा, दो सेट के बीच में ऑपरेट करेंगे माइनस का एक पर्टिकुलर सेट मिलने वाला है। अब उसमें एलिमेंट किस तरीके से रखने हैं वो देखने कि होता क्या एक्चुअल में। ये होता है क्या कहता है कि ए माइनस में, ए माइनस बी जो भी सेट देगा उसमें सिर्फ और सिर्फ किसके एलिमेंट्स होंगे, ए सेट के होंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, सिर्फ और सिर्फ किसके होंगे, ए सेट के होंगे, बी सेट का कुछ भी नहीं होगा। यानी कि देखिए ए सेट में क्या है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 1 2 3, मैंने सिर्फ 1 2 3 इसलिए रखा क्योंकि 4 5 जो है वो क्या है, बी में भी क्या है, कॉमन है। और मैंने डेफिनेशन क्या बोली, ए माइनस बी में क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट्स ही कंटेन करेगा, यानी कि जो आगे पे है ना, जो आगे है, जो जो भी सेट आगे है, सिर्फ और सिर्फ उसी के एलिमेंट कंटेन करेगा। अभी इसे जब हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देंगे और बेटर समझ में आएगा, तो जो कॉमन है वो भी हट जाएगा। अब अगर मैं b माइनस ए बोलूँ, ठीक है, b माइनस ए भी किया जा सकता है, मैंने बोला ना a माइनस बी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ a के एलिमेंट उतरेंगे, b माइनस ए करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ b के एलिमेंट उतरेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। तो b माइनस ए करेंगे, b में क्या है, 4 5 7 8 है, तो 4 5 क्या है, a में भी हैं, तो a के सारे एलिमेंट हट जाएंगे, 1 2 3 4 5 ऑलरेडी हटे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद सिर्फ कितना बचेगा, 7 8, तो a माइनस बी इस तरीके से निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ a के एलिमेंट, b माइनस ए में सिर्फ और सिर्फ b के एलिमेंट, यानी कि जो पहले होगा सिर्फ उसके एलिमेंट उतरेंगे और जो भी कॉमन है वो हट जाएगा, और दूसरे सेट के एलिमेंट्स तो ऑलरेडी हटे हुए ही हैं। अब इसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, वेन डायग्राम में कैसे दिखाते हैं। वेन डायग्राम में इसे दिखाएंगे, a ये मैंने क्या बनाया, यूनिवर्सल सेट बनाया, a b इसी तरीके से क्या कराया जाएगा, इसको ड्रॉ किया जाएगा, और सिर्फ क्या है, a के एलिमेंट है ना हमारे पास, a इंटरसेक्शन b है, और जो कॉमन है वो भी हट जा रहे हैं, यानी कि उनको हमें कंसिडर नहीं करना है। तो सिर्फ इतना रीज़न, ये जो मैंने शेड किया है, ये रीज़न क्या कहलाएगा, a माइनस बी कहलाएगा, ये जो कॉमन रीज़न है और ये जो b का है ये पूरी तरीके से क्या है, हट चुका है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, a माइनस बी वैन डायग्राम की फॉर्म में, ठीक है, वेन डायग्राम की फॉर्म में ए माइनस बी इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या फिर अगर मुझे ये तो हो गया ए माइनस बी का ये वाला रीज़न, ठीक है, अगर मुझे बी माइनस ए रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, बी माइनस ए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, ए बी, बी सेट में क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ बी के एलिमेंट्स उतरने, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी हट जाएगा और ए वाला सेट तो पूरा हटा ही है, तो सिर्फ और सिर्फ इतना ये जो शेडेड रीज़न है ये क्या कहलाएगा, बी माइनस ए कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास b माइनस ए, हमने क्या देखा, एग्जांपल से समझ लिया, वेन डायग्राम भी बना के देख लिया, अब इसकी बारी है क्या सिंबॉलिकली समझ, जैसे यूनियन के केस में भी समझा, इंटरसेक्शन के केस में भी समझा, तो इसमें भी होता है क्या, a माइनस बी क्या करता है, सिर्फ वो एलिमेंट कंटेन करता है x सच दैट, a माइनस बी की बात करूँ, a माइनस बी यानी इसकी, सच दैट x किसे बिलोंग करेगा, a को, क्योंकि खुद ही देखो ये जो भी x उतर रहे थे 1 2 3 सिर्फ और सिर्फ किसके थे, a के थे, ठीक है, और हिंदी वाला और एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, और हमें ये बात की तो श्योरिटी थी क्या कि सिर्फ और सिर्फ a का ही होगा, b का तो होगा नहीं, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड लगेगा हिंदी वाला और, ठीक है। या फिर अगर मैं b माइनस ए बोलूँ, b माइनस ए में क्या हो जाता है, वो आगे आ जाएगा, यानी कि सेट आगे आ जाएगा, x सच दैट x किसे बिलोंग करेगा, b सेट को बिलोंग करेगा, एंड और x जो भी है वो a को तो बिल्कुल बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी हो गई, दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं, अगर ए माइनस बी की बात करें तो ये, बी माइनस ए की बात कर रहे हैं तो ये, और ये क्या हो गया, इसके वेन डायग्राम हो गए, ये हो गया एग्जांपल। अब अगर इसे नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा रिमार्क बताता हूँ इसी एक्सरसाइज के लिए, रिमार्क क्या कहता है, ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, तीनों में से देखो ऑपरेट करने के बाद एक पर्टिकुलर सेट ही तो मिलने वाला है, ठीक है, तो इस बात से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे दो दो सेट रखे हुए हैं तो इसका कैसे एक सेट है, ऑपरेशन लगाने के बाद मैंने बार बार ये चीज़ बताई है, दोबारा से क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर सेट मिलेगा। तो a माइनस बी, बी माइनस ए, ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होंगे, कहता है डिसजॉइंट सेट होंगे, आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब अभी बताया था, डिसजॉइंट का मतलब होता है जिनमें कुछ भी क्या होता है, कॉमन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी बनाता हूँ,
सपोज दैट मैंने ए बनाया, ठीक है, ए और बी सेट बनाया, इसमें मैं ए माइनस बी रिप्रेजेंट करूँगा, कहाँ से कहाँ तक हुआ, यहाँ से यहाँ तक का, ए माइनस बी ये होगा, ठीक है, ये क्या हुआ, ए माइनस बी आया, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इतना पार्ट, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, सिर्फ ये कॉमन रीजन है जो ये लाइन खींची मैंने, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, और अगर बी माइनस ए बोलूँगा तो सिर्फ और सिर्फ कितना, इतना पार्ट, यानी कि ये बी माइनस ए, तो आप खुद ही देखो वेन डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसमें कुछ कॉमन है क्या, तीनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, सब क्या अपने अपने एरिया में पकड़ के बैठे हुए हैं, यानी बैठे हुए कहने का मतलब अपने अपने एरिया में लोकेटेड है, ए माइनस बी इस एरिया में, बी माइनस ए इस एरिया में, ए इंटरसेक्शन बी इस एरिया में, तो कुछ भी क्या है कॉमन नहीं है, इसलिए एक रिमार्क आता है, क्या रिमार्क, मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या ए माइनस बी, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या कहलाते हैं, आर सब क्या है, तीनों अपने अपने क्या है डिस्जॉइंट सेट है, कुछ भी इनमें क्या हो कॉमन नहीं आ सकता, ठीक है, तो इसे नोट करें, तो इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है एक्सरसाइज 1.4 का, इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।